हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है टिश्यू कल्चर। टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू मींस ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ नाम से ही हमें पता चलता है टिश्यू कल्चर में हम एक प्लांट से कुछ सेल्स को या फिर कुछ टिश्यूज को लेते हैं और उन्हें हम यूज करते हैं नए प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए। ये भी एक आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का ही मेथड है, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी नेचुरली नहीं होता, इसलिए इसे भी हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का ही एक टाइप कह सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम सेल्स और टिश्यू ऑफ पेरेंट प्लांट by growing them in suitable and controlled conditions in a nutrient medium is called tissue culture. So tissue culture में नए plants को कुछ cells और tissues से produce किया जाता है। ये जो cells और tissues हैं इन्हें हम parent plant से लेते हैं। parent plant से इन cells को लेने के बाद हम इन्हें suitable और controlled conditions में grow करते हैं। suitable conditions का मतलब ऐसी conditions जिनमें cell जो है वो ग्रो कर सके, और कंट्रोल्ड कंडीशंस का मतलब ऐसी कंडीशंस जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि उस सेल के आगे पीछे का इन्वायरमेंट कैसा होगा ये हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं। सूटेबल कंडीशंस को आप फेवरेबल कंडीशंस भी बोल सकते हो, जो एक सेल की ग्रोथ के लिए फेवरेबल होती है। अब ये जो प्लांट है इसे हम ग्रो किस में करते हैं? इसे हम ग्रो करते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में। न्यूट्रिएंट मीडियम में, मीडियम क्या होता है? जब एक प्लांट नॉर्मल कंडीशंस में ग्रो कर रहा होता है तो वो सॉइल में ग्रो करता है। एक प्लांट जो है वो हमेशा सॉइल में ग्रो करता है, तो सॉइल जो है वो यहाँ पर मीडियम का काम कर रही है। मीडियम जो है वो ऐसा सब्सटेंस है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो नेचुरल कंडीशंस में सॉइल जो है वो मीडियम का काम कर रही है। लेकिन जब हम एक सेल से या टिश्यू से प्लांट्स को सूटेबल कंडीशंस में ग्रो करते हैं तो हम उसे न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करते हैं, यानी कि हम खुद एक मीडियम प्रिपेयर करते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। द प्लांट पार्ट सेल्स और टिश्यू टेकन फ्रॉम पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड एक्स प्लांट। अब प्लांट से जो हम सेल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा प्लांट है और इस प्लांट से हमने कुछ सेल्स ले लिए, इस प्लांट से हमने एक कुछ टिश्यूज जो है वो सेल्स या कुछ टिश्यूज जो है वो हमने ले लिए, इन टिश्यूज को हम कहेंगे एक्सप्लांट। द न्यूट्रिएंट मीडियम इन विच द एक्सप्लांट इज प्लेस्ड फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट इज कॉल्ड कल्चर मीडियम। अब इस एक्सप्लांट को हम जिस मीडियम में रखेंगे ग्रोथ के लिए उसे हम कहते हैं कल्चर मीडियम या फिर ग्रोथ मीडियम। इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। ये जो कल्चर मीडियम होता है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और ऐसे प्लांट हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं। टिश्यू कल्चर जो है ये इन विट्रो प्रोसेस है। इन विट्रो प्रोसेस का मतलब होता है जो नेचुरल सराउंडिंग्स में नहीं हो रहा, जो कि अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं हो रहा। इससे पहले हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा, जहां हमने कटिंग के बारे में पढ़ा, लेयरिंग के बारे में पढ़ा, ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ा। वो सारे के सारे प्रोसेसेस जो थे वो इन वीवो हो रहे थे, वो सब प्रोसेसेस जो थे वो इन वीवो हो रहे थे। इन वीवो का मतलब होता है नेचुरल इन्वायरमेंट में, इन वीवो का मतलब है नेचुरल इन्वायरमेंट में। लेकिन इन विट्रो का मतलब होता है नॉट इन नेचुरल इन्वायरमेंट, क्योंकि टिश्यू कल्चर को हम लैब में प्रोसेस करते हैं। टिश्यू कल्चर का जो प्रोसेस होता है ये लैब कंडीशंस में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। द टर्म टिश्यू कल्चर वॉज कॉइन्ड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट एम.टी. बर्रोस। ये आपकी अपनी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। टिश्यू कल्चर जो था ये पहली बार ये टर्म एम.टी. बर्रोस ने कॉइन की थी। अब हम देखेंगे कि टिश्यू कल्चर का प्रोसेस होता कैसे है। एक बार अगर आप डायग्राम की हेल्प से ये प्रोसेस समझ लोगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा और आप इजीली इसको अपने एग्जाम में लिख भी पाओगे। अब यहाँ पे क्या होता है, अ पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द प्लांट मोस्टली फ्रॉम द ग्रोइंग टिप। पहले सबसे हम एक प्लांट टिश्यू को प्लांट से लेते हैं,
मोस्टली ये जो टिश्यू होता है इसे हम ग्रोइंग टिप से लेते हैं। ग्रोइंग टिप से इसलिए लेते हैं क्योंकि ग्रोइंग टिप्स में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेरिस्टमैटिक सेल्स, मेरिस्टमैटिक सेल्स, ग्रोइंग टिप्स में मेरिस्टमैटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं, इसलिए टिश्यू कल्चर के लिए हमेशा टिप से सेल्स को लिया जाता है। कभी कभी दूसरे पार्ट से भी सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लांट की ग्रोइंग टिप से सेल्स को लिया जाता है। अब ये जो सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सप्लांट। एक्सप्लांट जो है वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। इट इज प्लेस्ड इन कल्चर मीडियम दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट हार्मोन्स फॉर सेल डिवीजन। अब एक्सप्लांट को हम इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डाल देते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम है इसे हम अगार भी बोलते हैं। इस न्यूट्रिएंट मीडियम को हम अगार बोलते हैं, जिसे एक टाइप की एल्गी से हमने एक्सट्रैक्ट किया है, और ये हमारे एक्स प्लांट्स जो हैं वो हमने अगार मीडियम में रख दिए। इसे हमने पैट्री प्लेट में प्रिपेयर किए। ये जो प्लेट्स आप देख रहे हो जिनके अंदर हमने अपना मीडियम प्रिपेयर किया है, इन्हें हम कहते हैं पैट्री प्लेट्स। इन पैट्री प्लेट्स में हमने मीडियम प्रिपेयर किया है और उसमें हमने अपने एक्स प्लांट्स को रख दिया ग्रोथ के लिए। ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं और ऐसे प्लांट हार्मोन्स प्रेजेंट है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, ऐसे प्लांट हार्मोन्स जो कि सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प करेंगे। द प्लांट हार्मोन्स मेक द सेल्स डिवाइड प्रोड्यूसिंग अ मास ऑफ सेल कॉल्ड कैलस। द सेल्स ऑफ कैलस आर नॉट स्पेशलाइज्ड। अब क्या होता है, क्योंकि इस न्यूट्रिएंट मीडियम में ऐसे हार्मोन्स प्रेजेंट हैं जो इन एक्स प्लांट के सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, तो ये जो एक्स प्लांट्स हैं ये डिवाइड करते हैं और एक मास ऑफ सेल्स बना देते हैं। ये डिवाइड करके एक सेल्स का मास बना देते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स बना देते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैलस। कैलस क्या होता है, कैलस इज अनस्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स। अब अनस्पेशलाइज्ड या नॉट स्पेशलाइज्ड सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिन्होंने अभी तक अपने फंक्शन को अटेन नहीं किया होता है, जिनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो नहीं होता, नो पर्टिकुलर फंक्शन। पर्टिकुलर फंक्शन ना होने का मतलब होता है ये सेल्स जो हैं ये ना तो रूट्स बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं ना ही शूट्स बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। ये सिर्फ ये ऐसे सेल्स हैं जो कोई भी प्लांट का पार्ट बना सकते हैं, इन्होंने अभी तक कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को अटेन नहीं किया है, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं कैलस। और इनकी कोई शेप नहीं होती, ये सिर्फ एक लंप ऑफ सेल्स होता है या फिर हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ सेल्स होता है। अब क्या होता है, द कैलस इज ट्रांसफर टू अनदर कल्चर मीडियम कंटेनिंग प्लांट हार्मोन्स फॉर रूट ग्रोथ। अब इस कैलस को हम दूसरे कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं जिसमें ऐसे हार्मोन्स प्रेजेंट है जो कि रूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि रूट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जब इस कैलस को हमने इस कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर दिया तो हम देखते हैं कि इनमें इन प्लांट्स में रूट्स डेवलप हो गई। अब इन प्लांट्स में हम देख सकते हैं कि रूट्स डेवलप होना शुरू हो गई हैं। अब जब रूट्स डेवलप हो जाती हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, द कैलस विद रूट्स इज नाउ ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हॉर्मोन्स फॉर शूट ग्रोथ। अब इसके बाद जब यहाँ पे रूट्स का ग्रोथ हो गया है तो हम इस कैलस को दोबारा से अगले न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं जिसमें ऐसे हॉर्मोन्स प्रेजेंट हैं जो शूट की डेवलपमेंट करवाते हैं। जब हम इन्हें ऐसे न्यूट्रिएंट में रखेंगे तो हम देखेंगे कि अब इस कैलस में रूट्स के साथ साथ शूट्स का भी डेवलपमेंट हो गया है। अब जब रूट्स और शूट्स दोनों का डेवलपमेंट हो गया है अब हम क्या करेंगे, नाउ द कैलस विद रूट्स एंड शूट्स इज नाउ ग्रोन इन मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स फॉर प्लांट ग्रोथ। अब हम इसे एक दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर कर देंगे जिसमें प्लांट ग्रोथ के लिए हॉर्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। अब इसे हमने एक अलग मीडियम में ट्रांसफर कर दिया जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है और हॉर्मोन्स प्रेजेंट है जो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं।
The tiny plantlets can be now transferred into pots with nutrient-rich soil. जब ये प्लांट्स थोड़े बड़े हो जाते हैं हम इन्हें पॉट्स में ट्रांसफर कर देते हैं. अब हम इन्हें पॉट्स में ट्रांसफर कर देते हैं यानी कि सॉइल में ट्रांसफर कर देते हैं जहां पे इनकी फर्दर ग्रोथ होती है और ये बिगर प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन बिकॉज एक्स प्लांट्स यूज्ड इज इन वेरी लिटिल अमाउंट एंड वेरी स्मॉल. टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपगेशन का नाम भी देते हैं. माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल. माइक्रो प्रोपगेशन हम इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एक्स प्लांट लिया जाता है यानी कि जो सेल्स लिए जाते हैं एक न्यू प्लांट बनाने के लिए वो बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए हम इसे माइक्रो प्रोपगेशन भी बोलते हैं. अब हम बात करते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, टिश्यू कल्चर के क्या फायदे हैं. पहले सबसे नंबर ऑफ प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट पार्ट अवेलेबल. हम एक छोटे से प्लांट के हिस्से से, हम एक छोटे से एक्स प्लांट से बहुत सारे नए प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. इट इज टाइम सेविंग प्रोसेस एज इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस प्रोड्यूसिंग नंबर ऑफ प्लांट्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये टाइम सेविंग प्रोसेस होता है. टाइम सेविंग प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है. टिश्यू कल्चर इन विट्रो प्रोसेस है यानी कि इसे कंट्रोल्ड कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है. क्योंकि इसे हम कंट्रोल्ड कंडीशन में परफॉर्म करते हैं इसलिए ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि हम सभी न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में उस प्लांट को दे रहे हैं, उस एक्स प्लांट को दे रहे हैं ग्रोथ के लिए, इसलिए उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है और बहुत ही कम समय में हमें बहुत सारे प्लांटलेट्स मिल जाते हैं. द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर डिजीज फ्री एज द एनवायरमेंट इज कंट्रोल्ड. अब क्योंकि ये प्रोसेस हम कंट्रोल कंडीशंस में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इसलिए जो नए प्लांट्स बनते हैं उनमें डिजीजेस के चांसेस भी बहुत कम होते हैं. द प्लांट्स कैन बी ग्रोन इरिस्पेक्टिव ऑफ सीजन थ्रू आउट द ईयर. अब वापस से यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट जो है वो आता है कि ये जो टिश्यू कल्चर का प्रोसेस है ये हम कंट्रोल्ड कंडीशन में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसे हम कंट्रोल्ड कंडीशन में परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से अगर इन्वायरमेंट में कंडीशन फेवरेबल ना भी हो तो लैब में हम फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करके एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं. अब कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि समर्स में होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि विंटर्स में होते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन प्लांट्स की जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो अलग हैं. विंटर में वो प्लांट्स इसीलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो उन्हें समर्स में मिलता है, लेकिन लैब कंडीशंस में ऐसा नहीं होता. लैब कंडीशंस में हम एक्स प्लांट को फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अगर उन्हें कोल्ड टेम्परेचर चाहिए तो हम उन्हें कोल्ड टेम्परेचर देते हैं, अगर उन्हें थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए तो हम उन्हें हाई टेम्परेचर देते हैं, जिसकी वजह से अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल ना भी हों तो लैब में उन्हें फेवरेबल कंडीशंस देके हम ग्रो करवा सकते हैं, यानी कि हम किसी भी सीजन में कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं. लार्ज स्पेस इज नॉट रिक्वायर्ड. उसके अलावा टिश्यू कल्चर के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही छोटी सी स्पेस में हम इसे प्रोसीड कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो हमें टिश्यू कल्चर में देखने को मिलती हैं. तो पहली प्रॉब्लम है इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज द कंट्रोल्ड कंडीशंस. अब कंट्रोल्ड कंडीशंस को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, यानी कि टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. इसके लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है जो कि टाइम कंज्यूमिंग होती है. न्यूट्रिएंट मीडियम एपरेटस एंड हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड व्हिच मेक्स द प्रोसेस कॉस्टली. अब इसके लिए हमें न्यूट्रिएंट मटेरियल जो है न्यूट्रिएंट मीडियम बाजार से खरीदना पड़ता है, हमें एपरेटस चाहिए होता है. एपरेटस यानी कि जैसे ये पैटरी प्लेट हो गई, बीकर्स हो गए, इनकी हमें ज़रूरत होती है. हार्मोन्स भी हमें मार्केट से खरीदने पड़ते हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉस्टली होता है. इट नीड्स मच टाइम एंड अटेंशन. इसमें हमें बहुत सारा टाइम देना पड़ता है और बहुत इस प्रोसेस के दौरान हमें बहुत ही अटेंशन भी देनी पड़ती है, बहुत ही सावधानी जो है वो भी बरतनी पड़ती है ताकि जो प्लांट्स हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो करें. अगर हम ज़्यादा हार्मोन डाल देंगे तो प्लांट्स मर जाएंगे और ग्रो नहीं करेंगे, अगर कम डालेंगे तो भी ऐसा ही होगा. न्यूट्रिएंट मीडियम जो है वो भी हमें एक रिक्वायर्ड अमाउंट में देना होता है, हार्मोन्स भी हमें एक रिक्वायर्ड अमाउंट में देने होते हैं, तो बहुत सारी अटेंशन जो है वो हमें देनी पड़ती है इस प्रोसेस के लिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टिश्यू कल्चर.
आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।